राजनगर के आसपास के गांव में आजकल बकरी चोरी गिरोह सक्रिय हो चुका है, जहां पर घर की दीवार तोड़कर दर्जनों बकरी चोरी हुई है और किसानों ने आरोप लगाया है और जिसकी शिकायत राजनगर थाने में दर्ज नहीं हो रही है। आक्रोशित किसानों द्वारा आज राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया और जिसमें क्षेत्र में कल आज पालतू जानवरों की जो चोरी की घटनाएं तेजी से हो रही हैं, किसान जब अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने में जाते हैं तो उनकी आवेदन को नहीं लिया जाता है और साथ ही में कोई मामला भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। आज ज्ञापन दिया गया आज जो है एसडीएम महोदय जी के सामने, जो राजनगर के क्षेत्र में गरीब किसानों की बिन कसूर के उनके घर पर घर तोड़ करके जो लगातार चोर गिरोह के माध्यम से चोरियाँ की जा रही हैं क्षेत्र में, जिससे किसान अपने जो जानवर हैं उनके बकरी है, भैंस है और बिजली के मोटर हैं जिससे किसान अपना रोजी रोटी चलाता है, वो संसाधन उससे छीने जा रहे हैं, तो इसके विरोध में आज जो है माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की कृपा करें, क्योंकि ये गरीब किसान है जो अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, खेत में मेहनत करता है और उसकी कोई रात में चोरी कर ले जाए लाखों की, तो ये बड़ा उनके ऊपर जुल्म है और इस प्रकार का जुल्म में आज जो है हम लोग आज तो किसान सह रहे हैं और हमें ये भी शंका है कि आने वाले समय में ये जो बड़ी गिरोह है चोर की, ये कई बड़ी घटना को अंजाम न दे सके, इसलिए हम माननीय प्रशासन महोदय को अवगत कराते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की कृपा करें ताकि किसान सुख की नींद में सो सके और लगातार हमारे सभी क्षेत्र के किसान लोग आए हुए हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो, यही निवेदन हमने आज माननीय एसडीएम महोदय को किया है और आप लोगों के माध्यम से भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना को सुना जाए। लगभग कितने गाँव में मवेशियों की चोरी, ये लगातार जो है लगातार 10-12 गाँव में अभी हुई है, कहीं भैंस चोरी हुई है, कहीं मोटर चोरी हुई है, कहीं अभी 29 तारीख के रात में जो है भुस्ता में और चुआवर में 3-3, 4-4 घरों में चोरी हुई है और दीवार तोड़ करके 10 किसी बकरी में लगे लाखों का किसानों का अपनी रोजी रोटी चलाता है पालतू पशुओं के माध्यम से, वो भी नहीं उसका बच पा रहा, तो बड़ा दयनीय स्थिति किसान की है। थाना प्रभारी की तरफ से कोई एक्शन किया गया? थाना प्रभारी की तरफ से तो कोई खास एक्शन अभी नहीं किया गया, वो मौका पर कहीं कहीं पहुँचे भी नहीं है, कहीं गए हैं लेकिन कहीं नहीं पहुँचे, उनका कहना है कि आपको किसी पर शक हो तो इस प्रकार से आप बताएं, हमारे साथ जो किसान भाई लोग हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थाना प्रभारी को और कड़ी कार्रवाई करना पाई, मुझे विश्वास है कि अगर थाना प्रभारी को संज्ञान लेंगे तो ऐसा कोई भी किस रिपोर्ट होती है तो भी तो बकरियों की चोरी होती रहती है। ये चोरी किसने कहा? ये मुंशी ने कहा, मेरे अंदर रिपोर्ट लिखा था, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखती है। आपका आवेदन लिया गया या नहीं लिया? नहीं लिया, रिपोर्ट लिया तो हमारी कागज़ पे ये जो हमने बनवाया था जी कागज़ है, तो इसमें कोई उनके रोल नहीं है, हमारा कागज़ हमारी काम नहीं है। आपका भाई लाल क्या घटना हुई आपने? चिड़ियाँ 5 नंबर बकरी हुई दीवार चोर है। अच्छा, और सभी लोग छत पे भी सोते थे, नीचे भी सोते थे, कोई पता नहीं है कैसे मिट्टी हो गई, दीवार चोर के 4x3 की दीवार चोर है 9 इंची। थाने में रिपोर्ट की? हाँ थाने में रिपोर्ट की। क्या हुआ वहाँ पे? उन्हें कोई सुनाई नहीं है, 100 नंबर को लगाया फ़ोन, 100 नंबर आई, 7 बजे फ़ोन लगाया, 6 बजे 100 नंबर आया, 100 नंबर कह गए कि थाने में रिपोर्ट कर। वॉइस ऑफ प्राइड के लिए राजनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट।